नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है मेरा फेसबुक पेज पे। और आज मैं बना रही हूँ घर पे डेकोरेट करके रखने के लिए कलरिंग पेपर से फ्लावर की स्टिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ये फ्लावर की स्टिक मैंने कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्ट पेपर ले लिया है। अब मैं इस पेपर को ऐसे फोल्ड करके कैंची से ऐसे छोटा छोटा करके काट लूँगी। और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आज नए हैं तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ऐसे ही पूरा पेपर को ऐसे छोटा छोटा करके कैंची से काट लेने के बाद अब मैं इस पेपर को ऐसे करके इस पेपर की दूसरे साइड से ऐसे गम लगाकर इस पेपर को ऐसे ऐसे करके चिपका लूँगी। ऐसे करके पूरा पेपर को चिपका लेने के बाद अब मैं बना लूँगी पेपर से एक पेपर की स्टिक। तो मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पेपर ले लिया है। इस पेपर को ऐसे रोल करके पेपर की स्टिक बना लूँगी ऐसे। ऐसे पेपर की स्टिक बना लेने के बाद अब मैं दूसरे पेपर के ऊपर ऐसे गम लगाकर इस पेपर को इस स्टिक के ऊपर ऐसे रोल करके चिपका लूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे मैं इस पेपर को ऐसे रोल रोल करके इस पेपर की स्टिक के ऊपर चिपका रही हूँ। ऐसे ही पूरा पेपर को चिपका लेने के बाद आप देख सकते हैं ये फ्लावर की स्टिक पूरा तैयार हो चुका है और ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही मैंने और भी अलग अलग कलर का फ्लावर की स्टिक बना लिया है। अब मैं बना लूँगी फ्लावर के पत्ते। तो पत्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का पेपर ले लिया है। इस पेपर को ऐसे कैंची से काट लेंगे। ऐसे ही पूरा पेपर को काट लेने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ्लावर के पत्ते तैयार हो चुका है। अब मैं बना लूँगी फ्लावर की पॉट। तो फ्लावर की पॉट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। इस कार्डबोर्ड को ऐसे ऐसे रोल करके स्टेपलर से यहाँ पर ऐसे जोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ्लावर का पॉट बनाना बहुत आसान है। अब मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा गम लगाकर दूसरे कार्डबोर्ड को ऐसे चिपका लूँगी। अब इस फ्लावर पॉट के ऊपर ऐसे कलरिंग पेपर को ऐसे गम लगाकर चिपका लूँगी। ऐसे ही कलरिंग पेपर को चिपका लेने के बाद अब मैं इन फ्लावर की पत्तों को भी इस फ्लावर की पॉट के अंदर ऐसे गम लगाकर ऐसे चिपका लूँगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारे पत्तों को इस फ्लावर पॉट के ऊपर चिपका लेने के बाद अब मैं कैंची से इन फ्लावर के पत्तों को ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लूँगी ऐसे। ऐसे ही सारे फ्लावर के पत्तों को फोल्ड कर लेने के बाद अब इस फ्लावर पॉट के अंदर फ्लावर की स्टिक को डेकोरेट करके रखूँगी ऐसे। ऐसे ही एक एक करके इन सारे फ्लावर की स्टिक को इस फ्लावर पॉट के अंदर ऐसे डेकोरेट करके रखने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ्लावर का पॉट दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर और भी छोटे छोटे पत्ते बनाकर इस फ्लावर पॉट के अंदर रख रही हूँ ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ्लावर घर पे डेकोरेट करके रखने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। और आप सभी को अगर ये फ्लावर बनाना अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं
तो मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।